हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी चैनल हैक होने वाली वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको बताया गया है कि आज इसका चैनल हैक हो गया है, इस गलती के कारण इसका चैनल हैक हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब यूट्यूब का एक बहुत ही कमाल का अपडेट आया है जिसके अंदर आपका चैनल हैकिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो अपडेट आया है वो चैनल के सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर आप इस अपडेट को फॉलो करेंगे तो आपके चैनल की भी हैक होने की समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपके चैनल को भी कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो पे जिसका सबसे पहला कमेंट था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें। और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और इन्हें अपना पूरा पूरा सपोर्ट करें। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल में भी क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा वही आपको मोबाइल पे भी करना है। तो हमें यहाँ पे सीधा ऊपर जो URL वाला सेक्शन होता है वहां पे हमें टाइप करना है www.youtube.com और उसके बाद हमें स्लैश देना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्रिएटर्स CREATORS, उसके बाद फिर से हमें स्लैश, उसके बाद हमें लिखना है सेफ्टी SAFETY और हमें एंटर करना है। तो आपको ये ध्यान से देखना है, हमें लिखना है www.youtube.com/creators फिर स्लैश करके सेफ्टी और एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है, मतलब ये उस नए अपडेट के यूट्यूब उस पेज पे ले आता है हमें जहाँ पे वो नया अपडेट है। तो आपको ये जो मैंने URL डाला है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे क्रिएटर सेफ्टी सेंटर है ये, ठीक है। इट्स एक्साइटिंग टू शेयर योर वॉइस विद द वर्ल्ड, बट क्रिएटिंग पब्लिक कंटेंट मे लीड टू अनप्लीजेंट इंटरेक्शन, ठीक है। ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है स्टेइंग सेफ ऑन यूट्यूब, तो इसकी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको पूरी अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट योर जर्नी विद ए सिक्योर अकाउंट, यहाँ पे ये आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं आपको इनको डिटेलिंग में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर लेंगे हम, सेटअप टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टोलन पासवर्ड्स आर मोर कॉमन देन यू माइट थिंक, ठीक है। कोई आपके पासवर्ड को चुरा लेता है, हो सकता है ये, तो इसलिए आपको ये टू स्टेप वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में करके बता रहा हूँ, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके चैनल को। ये आपको पता भी होगा, जब भी आप अपना चैनल बनाते हैं, नया चैनल बनाते हैं, तो अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन करना ही होगा, मतलब अपने चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना ही होगा, उसके बाद ही आप अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो ये आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपका चैनल जो है वो पूरा सिक्योर रहता है। तो ये सिक्योरिटी के लिए पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस पे क्लिक कर लेंगे, यूज ए सेपरेट ईमेल फॉर योर चैनल, मतलब अपने चैनल के लिए अलग से ईमेल आईडी बनाना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इफ यू यूज द सेम ईमेल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड समवन गेट्स एक्सेस टू इट, दे कैन टेक ओवर यूर यूट्यूब एंड अदर अकाउंट्स, यूज ए डिफरेंट ईमेल फॉर यूर यूट्यूब चैनल एंड देन द ईमेल यू यूज फॉर यूर अदर अकाउंट्स। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सेम ईमेल एड्रेस बनाएंगे और उस पर काफी सारे आपके, मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, तो ये जो होता है इसमें जो आपके हैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपका एक भी जीमेल आईडी अगर आपकी वो हैक हो गई तो आपके सारे चैनल हैक हो जाते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि आपको अलग ईमेल आईडी से अलग चैनल बनाना चाहिए, मतलब मान लीजिए आप कोई नया चैनल बनाना चाहते हैं तो वो आपको एक नई ईमेल आईडी से बनाना चाहिए, नई जीमेल आईडी से अपना एक नया चैनल बनाएं, तो इससे आपका चैनल सिक्योर रहेगा,
ठीक है। मान लीजिए आप तीन चार चैनल बनाना चाहते हैं, तो उन तीन चार चैनल के लिए आप तीन चार जीमेल आईडी अलग अलग बनाएं सबके लिए, ठीक है। इससे आपकी जो आपका चैनल है वो पूरा सिक्योर रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, तो थर्ड पॉइंट है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, कम से कम 8 करेक्टर्स का होना चाहिए, वो लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उसमें अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर्स भी आने चाहिए। मतलब अपर केस का मतलब है बड़ा ए, लोअर केस का मतलब है छोटा है, मतलब छोटे लेटर्स, और अपर में कैप्स लॉक लगा के जो बड़ा ए लिखते हैं, बड़ा बी, वो वाले लेटर्स आते हैं, ठीक है, लेटर्स। और उसके बाद नंबर्स में 1, 2, 3, 4 ये होते हैं नंबर्स। और स्पेशल करेक्टर्स में जो आपको डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, एंड का साइन, ठीक है, एट द रेट का साइन, वो सारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। तो उन सबको मिक्स करके आपको 8 करेक्टर्स लॉन्ग का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए अपने चैनल के लिए, ठीक है। और अपने पासवर्ड को आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अपने चैनल के लिए पूरा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, इस तरीके से आपका चैनल सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, सेट अप योर मॉडरेट्स सेफली एंड सिक्योरली। इसमें लिखा हुआ है इफ यू हैव मॉडरेट्स डोंट शेयर योर पासवर्ड, यूज चैनल परमिशन टू ऐड चैनल मैनेजर सेफली टू योर अकाउंट। मान लीजिए आप अपने चैनल पे किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, आपके चैनल में कोई दिक्कत आ गई है और आप किसी बड़े क्रिएटर से या किसी से भी उसे सोल्व करवाना चाहते हैं कि क्या दिक्कत आई है, तो आपको सिर्फ अपना पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, आप चैनल की सेटिंग्स में जाके वहां पे चैनल परमिशंस उसे दे सकते हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़ने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रांड अकाउंट आपको होना ही चाहिए, ब्रांड अकाउंट पे मैंने वीडियो बना रखी है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को ब्रांड अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे चेक करेंगे कि आपका अकाउंट ब्रांड अकाउंट है, ठीक है। ब्रांड अकाउंट आपका होना ही चाहिए, इसके ऊपर वीडियो है, मैं आपको आई बटन में अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे फॉलो दिस स्टेप पे आप क्लिक कर सकते हैं, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, डिटेल में आपको दे रखा है, ठीक है। मैं अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, सिर्फ अपडेट के बारे में ही आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टिप और दे रखी है इन्होंने कि ये आपको श्योर करना है कि जो आपका मॉडरेटर है वो 2-स्टेप वेरिफिकेशन यूज करता हो और उसके भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन तो आपको करना ही है, अपने पासवर्ड भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। और उसके केवल चैनल परमिशंस देनी है, अपना पासवर्ड नहीं देना। तो ये फोर्थ पॉइंट था। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है बीवेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव सीन ट्रेंड्स ऑफ क्रिएटर्स बीइंग टारगेटेड, बी विजिलेंट अबाउट ईमेल्स दैट आस्क यू टू गो ए लिंक एंड वेबसाइट दैट आस्क यू टू साइन इन इनटू योर गूगल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है काफी सारा स्कैम चलता है क्रिएटर्स के लिए, जो नए नए क्रिएटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए हैकर्स क्या करते हैं, उन्हें एक लिंक भेजते हैं, उनके जीमेल अकाउंट पे लिंक भेजते हैं या कोई वेबसाइट्स पे भेजते हैं, उनके पास मेल करते हैं, और जिसपे वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनका चैनल हैक हो जाता है। तो आपको इस तरीके के स्कैम से बचना है, आपको अवेयर रहना है इस चीज के लिए। किसी भी तरह के इस तरीके का अगर आपको कोई मेल आता है तो आपको उसको बिल्कुल भी रिस्पोंड नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके के स्कैम से आप दूर रहना है तो आप अपना चैनल सेव रखेंगे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 अपडेट हैं आपकी क्रिएटर की सेफ्टी के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया होगा कि ये क्या अपडेट है और मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। आप इस अपडेट को फॉलो करें और अपने चैनल को सेफ रख सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।